जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा 12 पर। आज हम लोग नया तरीका से रीजनिंग का भी यूज करने स्टार्ट करेंगे और ये हम लोग इसी चैनल पर बारी बारी से लेकर आते रहेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा रीजनिंग का, वो एक समय अनुसार बनाने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग भी इसको बनाने के लिए आप लोग एक समय अंतराल पर समय लेकर ही बनाने की कोशिश कीजिएगा और बारी बारी से हम बोलते जाएंगे और आप लोग बनाने के बाद इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। तो आज का हम लोग का रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा। सबसे पहला बातें सुनिएगा, सिंपल सा बातें आप लोग स्क्रीन पर भी आप लोग देखिए, थोड़ा सा बनाने का कोशिश कीजिएगा कि एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, यह मेरी माँ की माँ के एकलौते पुत्र है। तो महिला से उस पुरुष का क्या संबंध है। तो इस प्रकार की बातें यानी कि इस टाइप का रीजनिंग के जो भी बातें करेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि इशारा करने वाला बातें हो चाहे किसी के बारे में बोलने वाला बातें हो, इस प्रकार के बातें जब भी पूछेगा और जितना लोग होगा ना उतना लोग अपने फिगर बनाएंगे। तो हमारे पास एक आदमी है और एक महिला है, बोलिए ना, एक आदमी है और एक महिला है, यानी कि यहाँ पर जितना लोग भी खड़े होंगे सब लोग का फिगर बना। अच्छा, फिगर बनाएंगे तो नाक मुंह का नहीं बनाएंगे, ये नॉर्मल तरीके से सोचेंगे कि ये आदमी है और ये औरत है। दोनों लोग का जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये यहाँ पर अब सोचेंगे कि कौन क्या कह रहा है। तो अब ये प्रश्न में कह रहा है कि महिला कह रही है आदमिया के बारे में, भाई कह रही है ये आदमिया के बारे में, क्या कह रही है कि यह मेरी माँ, किसकी माँ, महिला की माँ। अब महिला की माँ होगी तो माँ उतनी रहेगी, तो महिला की माँ, यह मेरी माँ की माँ, यह मेरी माँ की माँ के एकलौते पुत्र, यह मेरी माँ के माँ का एकलौता पुत्र है। तो बात को पहले समझा जाए ना, यह इसकी माँ की माँ, तो हर व्यक्ति की माँ के माँ जो होगी तो नानी होगी, और नानी का जो एकलौता पुत्र होगा, एकलौता पुत्र तो क्या लगेगा, मामा, तो हर अधिनिया क्या लगेगा महिला का, तो मामा लगेगा। आप प्रश्न लेकर आ रहे कि महिला से पुरुष का क्या संबंध है, तो महिला क्या लगेगी पुरुष का, सिंपल सर बातें में कह रहा है कि महिला का पुरुष से क्या संबंध है। तो प्रश्न में कह रहा है कि महिला से पुरुष का क्या संबंध है, तो महिला क्या लगेगी, तो महिला लगेगी भांजी, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो आप लोग स्क्रीन पर है, पहले देखा जाए। तो क्वेश्चन नंबर दो में कह रहा है कि ए और बी श्रीमती सी के बेटे हैं, ए तथा बी दोनों भाई हैं, तभी ना बेटा हुआ। तो ए तथा बी श्रीमती सी के बेटे हैं और डी ए की पत्नी है, ई बी की पत्नी है, तो बताइए कि सी और डी ई को क्या है, मतलब कि सी डी और ई दोनों की क्या है। तो पहला बातें हमारे पास कह रहा है कि ए और जो बी है ना, ये ए और बी जो है ना श्रीमती सी के बेटे हैं, ए तथा बी जो है श्रीमती सी के बेटे हैं। तो श्रीमती का मतलब ये माइनस है, और श्रीमती कहने का मतलब भाई, दोनों आपस में भाई है और इसकी माँ कौन है, सी है। और फिर अगला बातें में कह रहे हैं कि डी ए की पत्नी है, डी ए की पत्नी है, तो हाई आपस में पति पत्नी का पहचान हो जाएगा। और दूसरा में कह रहा है कि ई बी की पत्नी है, ई जो है बी की पत्नी है। और दो प्रश्न में कह रहा है तो बताइए कि डी सी, सी जो है ना डी और ई की कौन है, डी और ई की कौन है, तो हर जो लगेगी, हर जो दोनों है इसकी ई क्या लगेगी, तो सास लगेगी, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सास ऑप्शन नंबर हो जाएगा। सी डी और ई की कौन लगेगी, तो सी सास हो जाएगी दोनों की, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर तीन,
क्वेश्चन नंबर तीन में कह रहा है कि केतन की ओर इशारा करते हुए नम्रता ने कहा, यानी कि यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एगो केतन है। जब भी इशारा करने वाला बातें होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि जितना लोग होंगे ना उतना लोग का पहले फिगर बनाएंगे। तो प्रश्न में कह रहा था कि केतन की ओर इशारा करते हुए नम्रता ने कहा, यह मेरे पिता के एकलौते पुत्र के पुत्र हैं। तो केतन की माता नम्रता के बीच किस प्रकार की रिश्ता है, तो पहले ये सोचा जाए। इसके बाद हम कह रहे हैं कि जितने लोग रहेंगे उतना लोग फिगर बनाएंगे। हमारे पास पता चल रहा है कि वो केतन है और एक नम्रता है, ठीक है, केतन है एक नम्रता है। और किसके बारे में, क्या नम्रता ने कहा किसके बारे में, केतन के बारे में कह रही है कि यह मेरे पिता, यानी कि नम्रता के पिता, यह कह रही है केतन के बारे में। और केतन से क्या कह रही है कि यह मेरे पिता के एकलौते पुत्र, पिता का एकलौते पुत्र कहने का मतलब नम्रता के भाई न हुआ, एक पिता का एकलौता पुत्र के पुत्र है, के पुत्र है कौन, केतन है। तो प्रश्न में कह रहा है कि केतन की माँ नम्रता से किस प्रकार संबंधित है। तो केतन की जो माँ होगी इसकी वाइफ होगी। तो केतन की जो माँ है नम्रता को क्या लगेगी, तो नम्रता को भाभी लगेगी। ये भी आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि भाभी आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार में आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर चार में कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नील ने कहा यह मेरी बहन के पिता के एकमात्र बेटी के बेटा है, यानी कि बेटी का बेटा है। तो यह किसके ओर इशारा कर रही है, यानी कि यह जो इशारा कर रही है किसके ओर इशारा कर रही है। तो प्रश्न में तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, यानी कि यह तस्वीर लगाया गया है और इसके ओर इशारा करते हुए नील ने कहा, नील ने कहा कि यह मेरी बहन की एकमात्र बेटी। अच्छा, ये बहन की पिता की एकमात्र बेटी, ये खुद बहने हो गई, खुद इसी के बारे में बोला जा रहा है। और बेटी का बेटा है जो तस्वीर में जो है ना, यह मेरी बहन के पिता कि एकलौती पुत्री एकमात्र बेटी का बेटा है। तो वो किसके ओर इशारा कर रहा है, तो हाँ देखे ना, हाँ इसकी बहन और नील आपस में भाई बहन, और बहन के लड़का को इशारा कर रहा है। तो प्रश्न में कह रहा है वो किसके ओर इशारा कर रहा है, तो वो भांजा की ओर इशारा कर रहा है। आपका ऑप्शन हो जाएगा भांजा, ठीक है, भांजा ऑप्शन हो जाएगा। आपका ऑप्शन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर पांच में कह रहे हैं कि ए बी सी डी और ई पांच पुस्तकें हैं, सी डी के ऊपर है, यानी कि पांच पुस्तक ए बी सी डी है। और इस प्रकार से रखा गया है कि सी जो है सी डी के ऊपर है, सी को रखा गया है डी के ऊपर, और ई डी के नीचे है, ई जो है डी के नीचे है, अतः डी डी ए के ऊपर है, डी जहां भी है ना इसके नीचे में ए बैठा है। और फिर प्रश्न में कह रहा है कि बी ए के नीचे है, बी जो है ई के नीचे है, तो बताइए कि सबसे नीचे पुस्तक कौन सा है, तो सबसे नीचे पुस्तक बी है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स
क्वेश्चन नंबर सिक्स में कह रहा है कि इस श्रृंखला में 36, 34, 30, 28, 24 डॉट यानी कि इसके आगे तक है, आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए, यानी कि चार ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या आनी चाहिए, तब प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे। इस प्रकार की बहुत परीक्षा में पूछता है, हमेशा कंफ्यूजन किए रहता है प्रश्न को, तो करेंगे क्या, इस बातें को सबसे पहले लिखेंगे, लिखने के बाद यहाँ से हम लोग स्टार्ट करके देखेंगे कि अब ये दोनों का बीच का अंतराल कैसा जाएगा, यानी कि दो तीन प्रकार के अंतराल जाता है, एक वो तो गुणा करके दो को बढ़ाएगा, घटा कर दो कराएगा, भागा देगा, सब प्रकार से पहले चेक करेगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि चार का अंतर बढ़ रहा है, यानी कि आगे जाने पर चार बट गया, इसके बाद सॉरी ये आगे गया तो दो घट गया, इसके बाद आगे गया तो चार घट गया, ठीक है, तो फिर इसके बाद आगे गया तो दो घट गया, तो फिर इसके बाद आगे गया तो चार घट गया, यानी कि इसका जो सीरीज चल रहा है, आगे दो घटा फिर चार घटा, फिर इसके बाद आगे दो घटा तो फिर चार घटा, तो अगला बार क्या घटेगा, तो फिर अगला बार दो घटेगा, और 24 में से दो घटा देंगे तो क्या बचेगा 22, यानी कि आपका ऑप्शन में दिख रहा है 22, तो 22 हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है, आपका क्वेश्चन में दिखेगा तो ये हो जाएगा बी। जो जो लोग बी मारे होंगे अपना अपना आंसर को मिलाइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ चला दें, क्वेश्चन नंबर सातवां, क्वेश्चन नंबर सात, क्वेश्चन नंबर सात में कह रहे हैं कि यदि डब्लू का अर्थ, यदि डब्लू का अर्थ गुना है और एक्स का अर्थ घटाव है और वाई का अर्थ जोड़ है और जेड का अर्थ भागा है, तो 28 जेड 7, डब्लू 8, एक्स 6 और वाई 4 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कितना को जब हल किया जाएगा ना तो इसका क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी पूछता है ना तो हम लोग ये देखते हैं कि दिया क्या है। तो यहाँ पर हम लोग डब्लू का जो मान है ना, डब्लू का मान गुना दिया है, एक्स का जो मान है ना, एक्स का मान घटाव दिया है, और वाई का जो मान है तो वाई का मान जोड़ दिया है, और जेड का जो मान है जेड का मान भागा दिया है, ठीक है। अब तो प्रश्न हमसे कह रहा है कि 28 जेड 7 डब्लू 8 एक्स 6 वाई 4 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि ऐसा दिया हुआ है तो हमको हल क्या करना होगा कि 28 और जहां जहां जेड है ना तो जेड का मान क्या दिया है, तो जेड का मान दिया है भागा, तो जेड का वैल्यू भागा 7, फिर डब्लू, डब्लू के जगह पर रखेंगे गुना इसका 8, फिर यहां पर गुना एक्स, सॉरी ये है एक्स, एक्स के जगह पर दिया है घटाव 6 और वाई के जगह पर जोड़ 4, इतना को हल करना होगा। तो हम करेंगे कि हो जाएगा सच्चा क्या 28 चार बार में कटेगा, गुना 8 माइनस 6 प्लस 4, ये हो जाएगा 32 माइनस 6 और प्लस 4, तो 32 और 4 36 और 36 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 30, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 30 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आप लोग देखते चलिएगा, बनाते चलिएगा, देखो बहुत छोटा छोटा है, ऐसे ऐसा बातें हम लोग हमेशा पूछते रहता है प्रश्न में, आप लोग आगे देखते चलिएगा। इसके बाद है अगला नंबर, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि यदि जोड़ का अर्थ है गुना, गुना का अर्थ है घटाव, घटाव का अर्थ है भागा, भागा का अर्थ है जोड़, जोड़ हो तो 32 भागा 8 घटाव 2 गुना 12 और जोड़ 4 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कितना का वैल्यू बराबर क्या होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे ना कि प्लस, और प्लस का अर्थ क्या कह रहा है, तो प्लस का अर्थ करे गुना, और गुना का अर्थ क्या कह रहा है, तो गुना का अर्थ करे घटाव, घटाव का अर्थ क्या कह रहा है, तो घटाव का अर्थ करे भागा, और फिर भागा का अर्थ क्या कह रहा है, तो भागा का अर्थ करे जोड़। और तब हमको बताना है कि 32 भागा 8 घटाव 2
गुना 12 और जोड़ 4 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कितना का वैल्यू बराबर जब रखा जाए ना मान पलट कर, तो इसको कैलकुलेशन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 और भागा के जगह पर हो जाएगा जोड़ 8। घटाओ तो घटाओ तो दिख रहा है लेकिन घटाओ हम लोग नहीं लिखेंगे, इसके जगह भागा लिखेंगे। यहाँ गुना दिख रहा है लेकिन गुना नहीं लिखना है, घटाओ लिखेंगे। आप प्लस दिख रहा है वहाँ पर 4 लिखेंगे। तब तो हम लोग हल करना स्टार्ट करेंगे, तो 32 का 32 और हल दोनों जब भागा लगेगा तो प्लस 4 घटाम हो जाएगा बच्चों 48। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, तो हल हो जाएगा 36 और माइनस 48। 36 माइनस 48 का वैल्यू बराबर माइनस 12, यानी कि माइनस 12 में आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ऑर्डिनरी ORDINARY को 1, 2, 4, 6, 7, 9, 2, 3 लिखा जाता है, यानी कि ऑर्डिनरी कोई शब्द है उसका कोडिंग दिया गया है, तो उसी कूट भाषा में रेडियन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ना कि ऑर्डिनरी को कैसे लिखा जाएगा, ORDINARY, इसका कोड का प्रयोग किया है, तो ओ के लिखा है 1, आर को लिखा है 2, डी का लिखा है 4, आई का लिखा है 6, एन का लिखा है 7, ए का लिखा है 9 और आर का लिखा है 2 और इसके बाद वाई का लिखा है 3। इसका कूट भाषा में जब ये प्रयोग कर रहा है तो हम लोग का पूछा है कि रेडियन का क्या होगा, RADIAN इसका कूट भाषा में क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, पहले ये देखा जाए हम लोग का क्या करेंगे, नहीं इस प्रकार के जो भी कोडिंग डिकोडिंग का बातें पूछे तो दो तीन प्रकार के चीज देखना होगा, वो अभी भी ओ का कोड एक होगा का नहीं होगा, यानी कि जो इसका ओरिजिनल स्थानिक मान होता है स्थानीय मान नहीं दिया है, तो सबसे स्थानीय मान नहीं दिया तब चेक करेंगे। यहाँ पर 2 आर का वैल्यू है, यहाँ भी आर का वैल्यू 2 है, तो इस प्रकार से हमारा वही कोड का प्रयोग कर रहा है कि जो इसके नीचे कोड वाला दिया है, तो आर हमको जहाँ दिखेगा वहाँ 2 लिख देंगे और ए जहाँ दिखेगा एक जगह पर 9 रखेंगे, डी जहाँ दिखेगा तो डी के जगह पर 4 रखेंगे, आई जहाँ पर दिखेगा तो 6 रखेंगे, ए दिखेगा तो एक जगह पर 9 रखेंगे और एन जहाँ दिखेगा वहाँ पर 7 रखेंगे, यानी कि इसका जो कोड भाषा होगा ये होगा आप लोग ऑप्शन में दिया है 29, 46, 97, यानी कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को आ रहा है कि यदि ए का मतलब भागा, बी का मतलब जोड़, सी का मतलब घटाओ और डी का मतलब गुणा हो तो 11b 15c 8a 8a 4d 5 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि हमारे पास सबसे पहले हम कोड को डिकोड करेंगे कि ए का जगह पर ए का वैल्यू बराबर भागा दिया है, बी का वैल्यू बराबर जोड़ दिया है, सी का वैल्यू बराबर घटाव दिया है और डी का वैल्यू बराबर गुना दिया है। अतः अब हमसे पूछ रहा है कि 11b 15c 8a 4d 5 क्या होगा, तो 11 आप बी के जगह पर क्या रखेंगे जोड़ 15, सी घटाओ 8, ए के जगह पर भागा 4 और डी के जगह पर गुना 5। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका हल करेंगे तो 11 + 15 + 2 = 5 ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका 26 - 10 = 16, यानी कि आपका 16 आंसर हो जाएगा